Oh, really good job by Himanshu there, getting the tackle in. Both Himanshu and Ashu catch Bharat by the ankle. Absolutely no opportunity. With both ankles gone, there is no thrust that Bharat can generate. Even with that long height of his, you know, there is only so far the body can reach. अभी अगर भरत के हाथ जैसे हमारे मूरख सिंह ने बोला था कानून जैसे लंबे होते तो यहाँ रेडिंग में इससे पहले शानदार दो पॉइंट लेकर गए और परवीन एंड जसवीर एकेडमी को ऑल आउट के कगार पे ला खड़ा गया। यहाँ मोहित राइट कॉर्नर की पोजीशन पे खेल रहे हैं, क्या यहाँ पे पॉइंट लेकर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपर टैकल, एक और शानदार, लगातार दो सुपर टैकल के दो पॉइंट्स परवीन एंड जसवीर एकेडमी अपने खाते में जमा करते हुए। Look at that, Aparna. Look at how deep Deepak Parthik Dahiya is right now from the Deepak Niwas Hooda Foundation. If you are a raider and you see a defense. और यहाँ एक और शानदार सोलो टैकल इस बार आशु के द्वारा। आशु लगातार डिफेंस में एक के बाद एक पॉइंट ला रहे हैं। इससे पहले हमने एक सुपर टैकल देखा जिसमें आशु इन्वॉल्व थे और यहाँ सोलो टैकल, दोनों ही ताइज एक साथ अपने कब्जे में। और नरेंद्र की कमी खल रही है टीम में और यहां भरत एक के बाद एक दो पॉइंट लेकर आए हैं। आगे जाके नीतू उनको टैकल करने का प्रयास कर रहे थे सेंटर लाइन के पास, इतनी पास कि ये पॉइंट तो जैसे उन्होंने फ्री में भरत को दे दिया हो। The pressure of the tournament always gets to you, Aparna, and you know you are seeing the young lads. एक और पॉइंट लेते हुए एक के बाद एक परवीन एंड जसवीर एकेडमी के डिफेंस को तम खदेड़ कर रख दिया है DNH फाउंडेशन ने। अंदर गए, डीप गए, पॉइंट लिया और वापस आए फिर एकेडमी और भारत को यहां पे टैकल करने के लिए साहिल आए, लेकिन भारत अपने लंबे कद का इस्तेमाल करते हुए एक के साथ दूसरे डिफेंडर को जो सपोर्ट करने के लिए आए थे, देखिए साहिल सामने आए और साहिल का सपोर्ट करने के लिए जैसे नंबर टू में अंकित आशीष आए थे, दोनों को लेकर। दैट कॉजेज मोर प्रेशर ऑन द टीम देन एड वैल्यू राइट नाउ। नाउ दे आर ऑलरेडी डाउन अ डिफेंडर बिकॉज प्रतीक इज ट्राइंग हार्ड टू गेट दोज पॉइंट्स। समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द कोच टू टेल हिम भाई no pressure on you, stay there, don't do much, just let your team play around you and you come Sagar building some really fantastic performances over the next few years. That's a player to look out for along with Bharat. बिल्कुल सही कहा अरविंद, जैसा जो अभी आप बोल रहे थे प्रतीक जो टैकल का अटेम्प्ट कर रहे थे, ये इसी तरीके के अटेम्प्ट उन्होंने पहले भी दो बार करे थे। भरत जो कि अब तक अपनी टीम के लिए लगातार पॉइंट्स बटोर रहे हैं, काफी लंबे कद के खिलाड़ी हैं। और यहाँ एक और पॉइंट लिया, विनय को मैच से बाहर किया जर्सी नंबर तीन में। देखिए किस तरीके से पीछे झुक टर्न किया, विनय को हैंड टच किया, सीधा शोल्डर पे टच और वापस।